बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। बज़ाहिर ये एक खिलाड़ी और सियासतदान की कहानी है, लेकिन दरअसल ये एक सिपाही की दास्तान है। वो आदमी जिसने क्रिकेट, कैंसर अस्पताल और सियासत की रज़मगाहों में पेश आने वाले हादसात में ज़िंदगी और ख़ुद को दरियाफ्त करने की कोशिश की। ये कोशिश अभी जारी है और जारी रहनी चाहिए। तमाम अंदाजे ये हैं कि अभी वो गलतियाँ करेगा और उम्मीद ये भी है कि अभी उसे बहुत से मजीद कारनामे अंजाम देना है। सबसे बड़ा मुअरका अभी कुछ दिन में दरपेश होगा और अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है, कोई इस दुनिया से उठेगा नहीं जब तक उसका जाहिर व बातिन आश्कार ना हो जाए। परवरदिगार उसे ईमान में रखे और उसकी आँख अपने आप पर खोल दे। अल्लाह का कानून किसी के लिए बदलता नहीं। जिनके रुतबे सिवा है उनकी आजमाइश भी सिवा होती है। बरतानिया का एक दानिश्वर ये कहता है कि ये तवील तहरीर कमाल जहानत से लिखी गई। दूसरे का ख्याल है कि बिल्कुल सादा से अंदाज में दोनों बातें दुरुस्त हैं और पूरी तरह दुरुस्त। हम जो उसे जानते हैं इस राज से खूब वाकिफ हैं कि बेशक वो एक सादा सा आदमी है, लेकिन गाहे बहुत गौर व फिक्र करने वाला भी। सब दूसरों की तरह वो उसी वक्त गलती का इर्तिकाब करता है जब अपने ख्याल के सहर में मुबतला हो जाए, और कामरान तब जब अपनी जात से ऊपर उठकर फैसला करे। सिर्फ अपने आप पर नहीं अल्लाह पर भरोसा करे। ये इसकी अपनी कहानी है और इतनी ही पाकिस्तान की भी, जिसकी तख्लीक के 5 बरस बाद वो पैदा हुआ। एक आसूदा घराने का अकेला और लाडला फर्जंद। जिंदगी जिस पर मेहरबान थी, लेकिन सब दूसरों की तरह अपने आप से उसे लड़ना था। दूसरे न्यासी लड़कों से वो किस तरह मुख्तलिफ था और क्रिकेट के दूसरे खिलाड़ियों से, बारहा ये सवाल मैं उसके दोस्तों और भाइयों से और बा अंदाजे दिगर खुद उससे भी पूछता रहा। यह भी सोचता रहा कि एक आम अखबार नवीस की जिंदगी में वो कैसे दाखिल हुआ, इस जहान में ये नाचीज कैसे चला गया जिससे कभी उसका वास्ता ना था, जो आज भी क्रिकेट की इस्तलाहों को समझ नहीं पाता, और शौकत खानम अस्पताल में जिसका एक जरा सा हिस्सा भी नहीं था। रफ्ता रफ्ता मुनकशिफ हुआ वो इसलिए मुख्तलिफ है कि झूठ नहीं बोलता, रुपए की हवस में मुबतला नहीं होता, हमेशा का रजाइत पसंद है और जिस काम में हाथ डाले उसे अधूरा कभी नहीं छोड़ता। शायद ये 1981 था। बुजुर्ग कालम निगार अब्दुल कादिर हसन के एक जुमले ने मुझे उसकी तरफ मुतवज्जे किया और फिर वो मेरी जिंदगी का कभी ना अलग होने वाला हिस्सा हो गया। मैंने उसके बारे में छपने वाली तकरीबन हर उस इबारत को पढ़ा जो पढ़ सका और उसके बारे में की जाने वाली हर गुफ्तगू को समझने की कोशिश की। उसके खानदान, खास तौर पर उसके उम्मेजाद हफीजुल्ला खान से मेरी मुलाकात थी, जो बतदरीज गहरी बेतकल्लुफी में बदल गई। हफीजुल्ला की खूबी यह है कि वो बुलंद आवाज से सोचता है, खामी भी यही है। 1996 में पहली बार उसके साथ मेरी मुफस्सल मुलाकात हुई, जब जनरल हमीद गुल ने ऐसा करने का मशवरा दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ ये रफाकत गहरी होती गई। जाहिर है कि हमेशा इत्तेफाक राय ना था, खास तौर पर बाज़ अस्करी अमूर और शख्सियात के बाब में, मगर अल्लाह के फजल से बाहमी एतमाद बेहद। वो एक मुस्तकिल मिजाज आदमी है, ताल्लुक और उसकी नौयत मन मर्जी से इस्तेवार करता है, लेकिन फिर हत्तल इम्कान बिगड़ने नहीं देता। इधर ये नाचीज परले दर्जे का मुतलविन मिजाज, अल्लाह का शुक्र है कि निभ गई और खूब निभी। अगरचे बरसों पहले असर रवा के आरिफ ने, जिनकी खिदमत में हाजिरी का शर्फ हासिल है और जो उसे भी खूब जानते हैं, ये कहा था तुम इसके साथ शरीक इक्तदार नहीं होगे। अल्लाह से दुआ है कि वह मुझे इस इम्तिहान से महफूज रखे और उसे सुरखरू करे। 1983 में मैंने एक मजमून लिखा कि एक दिन वो सियासत में आएगा। आज तक वो हैरान है और मैं खुद भी कि यह ख्याल मुझे कैसे सूझा। तब उससे मेरी जाती मुलाकात तक नहीं थी। दरवेश का कहना यह है कि आदमी हमेशा खुद नहीं लिखता, गाहे उससे लिखवा दिया जाता है। जब इस किताब के तर्जमे का मरहला आया तो बहुत दिन वो मेज पर पड़ी रही। अंग्रेजी जबान पर मेरी दस्तरस महदूद है, लेकिन किसी और को सौंपने पर तबीयत आमादा ना थी। तजर्बा किया तो नाकाम रहा। अव्वलीन मुसव्वदा 2001 में लिखा गया और अब भी मेरी लाइब्रेरी में पड़ा है, लेकिन फिर 9/11 का हादसा हुआ तो उसने नजरसानी का फैसला किया। मेरा इरादा ये था कि मिलकर लिख डालेंगे, लेकिन फिर फुर्सत अनका हो गई। जुलाई 2011 में एक दिन लगभग 400 सफहात की मरबूत किताब उसने मेरे हवाले की और हैरत से मैं उसे देखता रह गया।
कब और कहां इतना वक्त वो निकाल सका। इससे भी ज्यादा ताज्जुब खेज ये कि एक एक सतर में वो झलकता था। अलामा इकबाल की तहरीरों का इस कदर इन्हेमाक से वो कैसे मुताला कर सका और इस कदर वाज़े नताइज क्यों कर अखज कर सका। राना महबूब अख्तर बार बार मुझसे पूछते, क्या ये फिक्र इकबाल का बाब उसने खुद लिखा है? जिच होकर मैंने अर्ज किया, मदद ही लेना होती तो क्या मुझसे बात ना करता? वो एक हैरानकुन आदमी है, किसी भी वक्त कुछ भी उससे सरजद हो सकता है। इसलिए नहीं कि वो गैर मामूली जहानत का आदमी है, बल्कि इसलिए कि अल्लाह ने अज़्म की बेपनाही उसे बख्शी है। जिस चीज से मोहब्बत हो जाए उसका हो रहता है। इकबाल से उसे मोहब्बत है, उनके ख्वाब पाकिस्तान से भी उतने ही शदीद। 2004 के बाद जब उसकी पार्टी बिखर गई थी और जमाइमा बच्चों के साथ लंदन में जा बसी थी, शाम को फरागत उसे मुयसर होती, अरावल झील के मुकाबल बुलंदियों पर बने हासिदों के सीने पर मूंग दलते उसके घर के इर्द गिर्द खुले मैदान में कभी हम घूमा करते। बर्क की तरह एक ख्याल एक दिन जहन में चमका, खान साहब आप खुशकिस्मत बहुत हैं। शौकत खानम हस्पताल के लिए अल्लाह ने आपके हाथ में कशकोल पकड़ा दिया, वरना आप एक मुतकब्बर आदमी होते। हैरत से उसने मेरी तरफ देखा और बच्चों की सी मासूमियत से बोला, तुम ठीक कहते हो। जब यह मकान जेर तामीर था तो कभी एक हल्की सी उदासी उसके चेहरे पर झलक उठती। जिसके लिए घर बनाया जा रहा था अब वो सास समंदर पार थी। बच्चे उसे याद आया करते, लेकिन ये दुख उसने तन्हा सहा और बहुत बाद में और सरसरी तौर पर बयान किया। इतने बड़े मकान में वो अकेला कैसे रहेगा? तीन कमरे के फ्लैट में वो आसानी से बसर करता था। जमाइमा ने कहा था कि मकान की तामीर के निस्फ अखराजात वो खुद अदा करेगी, जिसे कबूल करने में खुददार आदमी मुतामल था। लेकिन अब वो यहाँ नहीं थी, कभी वो इस मकान से बेजार भी हो जाता। मकान नहीं, ये एक कुआं है जिसमें रुपया गिरता रहता है, एक बार उसने कहा था। अपनी तमाम जायद आमदन वो हस्पताल और यूनिवर्सिटी को दे देता है। वो कभी एक फजूल खर्च आदमी ना था और नुमाइश पसंद तो हरगिज नहीं। मैंने कहा, अल्लाह तुम्हें रुपए से महरूम ना रखेगा। जो बंदों के काम में लगा रहता है उसके काम परवरदिगार के जिम्मे होते हैं। आइंदा चंद माह के दौरान उसे $2,00,000 से ज्यादा मिले और फिर मिलते ही रहे। हत्ता के आलमी कप में मुबस्सर की हैसियत से निसफ मिलियन डॉलर की पेशकश हुई जो उसने मुस्तरद कर दी। उस जमाने के और बहुत से वाकयात भी हैं। मेरे जी में आता है कि कप्तान की कहानी के उनवान से एक किताब लिख डालूं। कौन जानता है कि लिख पाऊंगा या नहीं। इसके बावजूद कि मेरी कोई बाकायदा जिम्मेदारी नहीं, वक्त अब नहीं मिलता। कभी तो वो भी ताज्जुब से कहता है, तुम तो ईद का चांद हो गए। फिर मकान मुकम्मल हो गया और एक शाम उसके सहन में हम मौजूद थे। एक दिन उसने कहा, इतना बड़ा घर, ये तो एक वजीर आजम ही को जेबा है। बेइख्तियार मेरी हंसी छूट गई। मैंने कहा, तारीख में शायद ये पहली बार होगा कि एक मकान की खातिर एक शख्स को वजीर आजम बनाया जाए। हिस्से मजा उसकी बहुत अच्छी है, मगर उस रोज वो ना हंसा। उसमें लाहौरियों वाली बेबाकी नहीं। इमरान खान की सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? क्रिकेट का आलमी कप, जिसकी वजह से उसका नाम खेल की आलमी तारीख में रहेगा कि 150 बरस का सबसे अच्छा कप्तान कहलाया। शौकत खानम हस्पताल, जो शायद एक दिन ताजमहल से बड़ी दास्तान हो जाए। क्या वो कारनामा जो गालिबन अभी अंजाम देना है? नहीं, मेरा ख्याल है कि उसकी सबसे बड़ी कामरानी हस्ती बारी ताला का इदराक था। मेरे ख्याल में अल्लाह की आरजू में उसका सफर इस किताब का सबसे अहम हिस्सा है और इसी को सबसे ज्यादा तवज्जो के साथ पढ़ा जाना चाहिए। इस समंदर का सदफ यही है। मगरिब के इस नादिर रोजगार सूफी बायजीद ने, जिसे राह सलूक के चार बड़ों में से एक माना जाता है, ये कहा था, 40 बरस मैंने अल्लाह को तलाश किया, जब मैंने उसे पाया तो देखा कि वो मेरे इंतजार में था। परवरदिगार का दरवाजा हमेशा चौपट खुला रहता है, लेकिन उसकी तलाश में निकलता कौन है? फिर जो निकलते हैं, क्या उनकी अव्वलीन तरजीह सदाकत कामिला की तलाश होती है? मेरी मौजूदगी में प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर ने कप्तान से पहली मुलाकात में यही सवाल पूछा था। दरहकीकत उन दोनों के दरमियान यही जुमला गुफ्तगू का आगाज था। खान ने जवाब दिया, मेरी सियासत सिर्फ पाकिस्तान नहीं आलम इस्लाम के लिए है। मेरी राय में इस सवाल और अपने जवाब पर उसे गौर करते रहना चाहिए। बाज पहलू अभी जवाब चाहते हैं, सिर्फ इजहार में नहीं अमल में भी। इमरान खान के रूहानी सफर में प्रोफेसर साहब उसके उस्ताद ना थे, अगरचे वो कहता यह है, प्रोफेसर कुरान करीम के आलिम और उसके औराक से फरोजा बसीरत के अमीन है। एक दिन शब 11 बजे से सुबह 4:15 बजे तक वो उनसे फलसफा इर्तका पर सवालात करता रहा, हत्ता के फजर की अजान का वक्त आ पहुंचा, लेकिन वो उनका शागिर्द नहीं।
इकबाल का है और मियां मोहम्मद बशीर का, इनसे भी पहले अपनी वालदा मोहतरमा का। बच्चे की ज़िंदगी में अक्सर उसकी माँ सबसे ज़्यादा अहम होती है। जिस शख्स का नाम इमरान खान है, उसकी शख्सियत के तारोपूत बनने में ममता का किरदार बहुत ही गैर मामूली है। उसमें इसार, हमदर्दी और मोहब्बत ज़्यादातर वहीं से उगी है, वगरना वो बहुत सख्त गिर होता। अपने आगा जान से उसने खुददारी पाई है। ये उस सवाल का महल नहीं कि माँ से क्या कुछ सीखा, लेकिन एक बात यकीनी महसूस होती है कि बारगाह एजदी में फ़र्जंद के लिए मादर मुशफ़क की बाज़ दुआएँ यकीनन बारियाब हुई। एक ये कि वो परवरदिगार की दहलीज तक जाए, दूसरी ये कि उसे कोई पाक तीनत उस्ताद नसीब हो, और तीसरी शायद ये कि वो गैर मामूली कामयाबियों और नेक नामियों से सरफराज हो। आखिरी दुआ की हतमी तकमील बाकी है, आखिरी सांस तक ज़िंदगी इम्तिहान है। रावलपिंडी प्रेस क्लब में अखबार नवीसों ने जब उसे जिज कर दिया, तो उस अंदाज में जो उससे खास है, अपना बाजू फैलाकर अज़म से गूंजती बुलंद आवाज में उसने कहा, मैं एक तूफान लेकर आऊंगा। ये 1996 का मौसम गर्मा था। हम वहां से उठे तो मुझे अंदेशा हुआ कि वो हार जाएगा। उसने इंशाल्लाह ना कहा, अभी उसका वक्त ना आया था। उस दिन तो मैं खामोश रहा, लेकिन बाद में गाहे उसे याद दिलाता रहा। ऐसी बात वो तवज्जो से सुन लेता है और लीडरों की तरह बुरा नहीं मानता। यही उसके साथ ताल्लुक की सबसे अहम बुनियाद है। बरसों पहले एक बार जब मैंने उसे सख्त तनकीद का निशाना बनाया, तो बाद में पूछा, क्या मेरा कालम तुम्हें नागवार हुआ? उसका जवाब ये था, तुम मुझे समझे ही नहीं, मैं फुलां और फुलां की तरह नहीं हूँ। इस तरह की तनकीद से बुरा मानने की बजाय सीखता हूँ। यही एक बात उसे याद रखनी है पूरी तरह और तमाम जिहात में। उसके लिए दुआ करने वाले बहुत हैं, मगर खुशामद करने वाले भी कम नहीं। और खुशामद भटका सकती है, गुमराह कर सकती है, हत्ता के बर्बाद भी। खुदा उसे फरेब नफ्स और खुशामदियों से महफूज रखे। वो एक हद से ज़्यादा पूरा एतमाद आदमी है। यही उसकी कुव्वत है और यही उसकी कमज़ोरी। मायूस होना उसने सीखा ही नहीं। वो जानता है कि उससे ज़्यादा तबाही लाने वाली चीज़ कोई नहीं, लेकिन वो कोई स्कॉलर नहीं। उसे तालीम, रहनुमाई और मशवरे की ज़रूरत रहती है, मुझसे नहीं, माहरीन से, अहले फिक्र नज़र से, सभी को होती है। अल्लाह की किताब यही कहती है कि जब उलझ जाओ या तनाज़े में जा पड़ो, तो अहले इल्म के पास जाओ, अहले ज़िक्र से रजू करो। नाकामी का अंदेशा खारिज नहीं, दाखिल से होता है, अपनी ज़ाती कमियों और खामियों से, अंदाज़े फ़िक्र के नकायज़ से, जिनका जायज़ा हमेशा और हर वक्त लेते रहना चाहिए। शायद इस इरशाद का पस मंज़र यही है, जब अल्लाह किसी बंदे को हिदायत देना चाहता है, तो उसकी आँख अपने आप पर खोल देता है। सबसे बड़ा ख़तरा कहाँ से होता है? सभी के लिए इसे एक पहलू से, जब आदमी अपने फ़र्ज की अहमियत को निस्बतन कम और अपनी सलाहियत को ज़्यादा समझने लगता है। अव्वलीन मुलाकातों में एक बार मैंने उसे सवाल किया, तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है? तब उसने जवाब दिया, मैं अपनी हदूद से वाकिफ हूँ। कुछ दिन बाद उसने बताया कि क्रिकेट के किसी भी मैच में, ख्वाह उसने जीता या हारा, एक रजिस्टर पर उसने अपनी उस दिन की गलतियाँ ज़रूर लिख ली। अभी कुछ देर पहले प्रोफेसर साहब ने सियालकोट से टेलीफोन पर मुझसे कहा, उन सब को घेर घार कर जिन्हें आना है, अल्लाह अब इसके पास ले आएगा। जब वो घेरा डालता है तो वो कतई और मुकम्मल होता है। एशिया के अजीम तरीन रहनुमाओं में से एक महातीर मोहम्मद ने गुज़िश्ता दिनों ये कहा, बिलाखिर पाकिस्तान को एक ईमानदार और बहादुर लीडर मिल गया है। मालूम नहीं कैसे और क्यों वो मुद्दतों से उसे जानते हैं और उसके बारे में यही राय रखते हैं, शायद तब से जब से वो सियासत में आया है। इत्तेफाक से उसके दोस्तों में सबसे पहले महातीर का ये तबसरा मुझ तक पहुंचा और मैंने उसे मलाइशिया के मुदब्बिर से मुलाकात का मशवरा दिया। इत्तेफाक ही से एक आलमी कॉन्फ्रेंस में उनका आमना सामना हुआ, जो दुनिया भर के मुमताज़ लीडरों को गाहे बागाहे यकजा करने वाली एक तंजीम ने बरपा की थी। वो उसके साथ शफकत से पेश आए। कुछ अरसे बाद वो कुआलालंपुर के निवाह में उनके शानदार मकान में उनसे जाकर मिला और उस मौजू पर जफरमंद लीडर के साथ तफसील से तबादला ख्याल किया कि मुल्क और अकवाम सरबुलंद कैसे और क्यों कर हुआ करते हैं। फिर उन्हें इस्लामाबाद मदु किया। तहरीक इंसाफ की हालत उन दिनों अच्छी ना थी, ये अंदाज़ा भी ना हो सका कि अखराजात इतने ज़्यादा होंगे। बुजुर्ग लीडर खसूसी जहाज में अमले के साथ आएगा और दो दिन तक किराए का जहाज़ हवाई अड्डे पर रुका रहेगा। 30 लाख रुपये कर्ज लिया गया और ताखिर से वापस किया जा सका। मेरे ख्याल में ये तहरीक इंसाफ की बेहतरीन सरमायाकारी थी। कॉन्फ्रेंस के मदोइन की फहरिस्त मुरतब की जा रही थी। मैंने सोचा, ये तो सब के सब अपोजिशन लीडर हैं, क्या आप लोगों ने महातीर मोहम्मद के एजाज में अपोजिशन की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का फैसला किया है? उसके कारकुनों से मैंने पूछा और मशवरा दिया कि जनरल परवेज मुशर्रफ के सियासी सिपे सालार चौधरी शुजात हुसैन को मदू किया जाए।
चंद रोज कबल चौधरी साहब ने यह तासुर दिया था कि उसने नहीं बल्कि परवेज मुशर्रफ ने उसे मुस्तरद कर दिया था। उनका लहजा तल्ख था और नाशाइस्ता भी। इसके बावजूद वह फौरन ही मान गया और उनके अलावा मुशाहिद हुसैन को भी दावत दी। मेरा ख्याल है कि यह उसके बेहतरीन फैसलों में से एक था। चौधरी शुजात और मुशाहिद हुसैन उसके घर आए और खुश दिली से ज़ियाफ़त में शरीक हुए। यही वो कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मेज़बानी के फ़राइज़ नामवर अखबार नवीस तलत हुसैन को सौंपे गए। आगाज़ ही में उस भले आदमी ने जो गाहे ज़रूरत से ज़्यादा बेबाकी पर उतर आता है ये कहा, एक खिलाड़ी की हैसियत से इमरान खान मेरे हीरो हैं मगर सियासतदान के तौर पर नहीं। इमरान जब स्टेज पर आया तो बहुत संजीदगी और वक़ार के साथ तलत हुसैन से मुखातिब होकर उसने कहा, एक दिन आप मुझे सियासी लीडर भी मान लेंगे। क्या उसने इंशाल्लाह कहा था याद नहीं पड़ता। ये उसकी ज़िंदगी के उन शानदार अयाम में से एक था जब वो अपने तर्ज अमल गुफ्तार और रवैये से आपको हैरतज़दा कर देता है। जब वो महसूस करता है कि इम्तिहान आ पड़ा है और जहनी तौर पर पूरी तरह तैयार हो जाता है। ऐसे कई वाकयात मुझे याद आ रहे हैं। 4 साल उधर की बात होगी, लाहौर के एक मुमताज़ अखबार नवीस ने कहा, इमरान खान की सियासत तो ख़त्म हो गई। वो उन दिनों बाज़ मुक्तदर हस्तियों के बहुत करीब थे। बरहम होने वाली बात ना थी कि उन्हीं का नहीं, उन दिनों बहुत से लोगों का तासुर यही था, मगर मालूम नहीं क्यों मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, दुनिया की कोई ताकत उसे पाकिस्तान के सियासी मंजर पर उभरने से रोक नहीं सकती। कल वो लोग उसके पास आएंगे और मदद के तालिब होंगे। बराहे करम अभी से ये बात उन्हें बता दीजिए। चंद रोज बाद उन साहिब ने इमरान से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। उसे लाहौर आना था। उनमें से एक शख्स बहुत तगड़ी सिफारिश के साथ गुज़िश्ता दिनों मेरे पास आया। अब उसकी गर्दन अकड़ी हुई नहीं थी। बहुत शाइस्तगी और वक़ार से उसने बात की। हफीजुल्लाह खान को ऐसा मौका अल्लाह दे। उसने कालम निगारों के एजाज़ में एक शानदार ज़ियाफ़त का अहतमाम किया। शाम 7 बजे जब मैं घर के दरवाजे पर खड़ा एक मेहमान से बात कर रहा था, हफीजुल्लाह ने फ़ोन पर फरमाइश की कि मैं लाहौर पहुँच जाऊँ। 8 बजे PIA की परवाज को रवाना हो जाना था। वहीं से मेहमान की गाड़ी में मैं चल पड़ा। किसी से दरख्वास्त की कि टिकट खरीद रखे। उस शाम ऐसी जमकर उसने गुफ्तगू की, इस कदर तहम्मुल से सवालों के जवाब दिए कि बाज़ दानिश्वर ताब ना ला सके। एक ने तो अगले दिन ही मेरे खिलाफ फर्द जुर्म जारी कर दी। खाने की मेज़ पर मियाँ वाली से लाई गई दरियाए सिंध की एक सालिम मछली के अलावा इतना बहुत कुछ था और इस कदर उम्दा के मजलिस का लुत्फ दो आतिशा हो गया। मैंने कहा, अगर कभी इक्तदार मिला हफीजुल्लाह खान तो एक वजारत लाजमन हमारे हिस्से में आएगी। आज की ज़ियाफ़त के नाम पर वो तुम्हारी है। हफीजुल्लाह खिलखिलाकर हंसा और बोला, मेरे भाई को फिर आप समझे नहीं। जब ये कप्तान बना तो सबसे पहला काम इसने ये किया कि अपने हीरो माजिद खान को टीम से अलग कर दिया। अपनी साख बनाने के लिए ये मुझे फांसी पर चढ़ाएगा और खलके खुदा से दाद वसूल करेगा। मजा का बुरा पहलू यही है कि कभी कभी कोई शानदार जुमला माहौल की सारी मतानत तार तार करके रख देता है। ऐसा ही हुआ। अगली सवेर तक हम ये लतीफ़ा लोगों को सुनाते रहे। गुफ्तगू की दूसरी नशिस्त हमारी हमाकत की नज़र हो जाती मगर इमरान ने बुरा मानने से इनकार कर दिया। कमाल संजीदगी के साथ वो सवालों के जवाब देता रहा। हैरत अंगेज बात यह है कि जिन साहब के बज़ाहिर नारवा तबसरे पर यह मजलिस बरपा हुई थी उन्हीं ने सबसे ज़्यादा माकूल तर्ज अमल इख्तियार किया। कभी उस दिन को याद करता हूँ तो जहाँ उस पर फ़ख्र का एहसास होता है वहाँ अपने शियार पर शर्मिंदगी भी। किस्सा यह है कि जिन दिनों इमरान खान कप्तान बने माजिद खान की यकसोई ख़त्म हो रही थी। रन्स वो बना ना सकते और नतीजे में टीम मायूसी का शिकार होकर ढेर हो जाती। एक लीडर की हैसियत से इमरान का ये पहला इम्तिहान था। वो उसमें जफरमंद रहा अगरचे बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ी। जिस तरह अचानक उन्हें रुखसत किया गया इस पर वो बहुत बदमजा हुए। वो एक नहायत माकूल और मोतबर शख्स हैं मगर रूठ गए। 30 बरस बाद उनकी मुसालहत हुई। इस असना में जब भी उनका जिक्र हुआ इमरान खान के लहजे में उदासी होती। आखिरकार वो नमल यूनिवर्सिटी की इफ्तिताही तकरीब में शरीक हुए और उसके लिए अतिया दिया। उस रोज़ काले पहाड़ों के दरमियान मुल्क भर से झील किनारे जमा होने वालों के दरमियान कप्तान बहुत आसूदा रहा, बहुत मुजतमा और फसीह। जिंदगी के इम्तिहानों में खानदान ही नहीं जवानी के दोस्तों की पुश्त पनाही और हमायत भी बहुत कीमती हुआ करती है। जिन दिनों यूनिवर्सिटी की तामीर मुकम्मल हुई एक उर्दू अखबार के आखिरी सफ़े पर 3-4 सतरों की एक खबर थी, इमरान खान को बरतानिया की ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी से चांसलर के मनसब की पेशकश हुई है। मुझे यकीन ना आया। फ़ोन किया तो मालूम हुआ कि खबर दुरुस्त है मगर साथ ही बताया कि वो माजरत कर चुका है कि फुर्सत नहीं पाता। आखिर क्यों? मैंने कहा, नमल यूनिवर्सिटी के लिए असातिज़ा की तरबियत का बंदोबस्त कैसे होगा?
दूसरों का रद्द अमल भी शायद यही रहा होगा। चुनाचे उसने बरतानवी इदारे से पूछा कि उन्हें हर साल कितना वक्त दरकार होगा। उन्होंने कहा, हजूर सिर्फ सालाना तकरीब के लिए एक दिन। अल्लाह अल्लाह करके वो राजी हुआ। बाद में उसके यहाँ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, मुंतजमीन और इसातिज़ा से एक तवील मुलाकात हुई। मैंने मेहमानों के लिए चने की दाल पकाई जो उन्हें बहुत पसंद आई। गौर किया तो खुला के बगैर खाद की पाकिस्तानी दालें बहुत लजीज होती हैं और इस नेमत को हम कोई अहमियत नहीं देते। उस दिन ये इंकशाफ भी हुआ कि खान के घर पलने वाले देसी मुर्ग 2-2.5 किलो के हो जाएं तो ज़िबा किए जाते हैं। मैंने कहा, अल्लाह के बंदे, 1.25 किलो से ज़्यादा ना होना चाहिए। वो दूसरी नस्ल होती है और दूसरी तरह के बावर्ची, ये इस बेचारे के बस की बात नहीं। बमुश्किल वो माना मगर मान गया। एक और मौका वो था जब गुज़िश्ता बरस इस्लामाबाद वारिद हुए। कैमरून मंटर समेत 8 सफीरों को उसने 5 सितारा होटल में रात के खाने पर मदऊ किया। मंटर तो ना सके, नायब सदर जो बाइडन अचानक पाकिस्तान आ पहुंचे थे, लेकिन बाकी लोग मौजूद थे। उस दिन पहली बार मैंने उसे अंग्रेजी में तवील गुफ्तगू करते सुना। ख्यालात में ऐसा रब्त और अल्फाज में ऐसा आहंग कि सुभान अल्लाह। उसने कहा, अफगानिस्तान में कभी कोई ना जीता, अमेरिका भी हार जाएगा। क्या आप लोग जानते नहीं कि इंसान 2 तरह के होते हैं, एक आम किस्म के आदमी और दूसरे पठान। आदमी डर जाते हैं, लेकिन पश्तून पर हमला करो तो वो हिसाब बराबर करके रहता है। ख्वाह जमाने बीत जाएं, वो मैदान में बरूए कार रहता है। बताया जाता है कि भारत में ऐसी ही एक गुफ्तगू उसने सदर बुश के भाई से भी की थी और मीडिया समेत सभी को शुस्तर कर डाला था। बहरहाल उस दिन इस्लामाबाद में उसने जादू सा कर दिया। लगभग निसफ घंटा बात करने के बाद उसने सवालों के जवाब दिए। तासुर इतना गहरा था कि तुर्क सफीर जब्त ना कर सका और उसने कहा, जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, सफारती आदाब अलग, हम तो हर हाल में पाकिस्तानी कौम के साथ होंगे। फिर वो अपनी जगह से उठा और ये कहा, जेंटलमैन, मैं बुखार में मुबतला हूँ और अब इजाज़त चाहता हूँ। ताज्जुब खेज बात यह थी कि सफ़र की आमद से पहले भी हम कुछ देर गपशप करते रहे। ना सिर्फ उसने बताया नहीं, बल्कि हमें एहसास तक ना होने दिया कि वो बीमार है। हमेशा वो ऐसा ना था, कभी चिढ़ जाया करता। 3 अखबार नवीसों के बारे में मैं जानता हूँ, जिनमें से 2 की खेल के ज़माने में उसने धुनाई की और 1 की बाद में। कुछ और वाक़यात भी मेरे इल्म में हैं। सोच सोच कर मैं हैरान होता रहा कि जिस किसी के साथ ये हादसा पेश आया, बाद में उनका तर्ज अमल अच्छा रहा। बाद से तो उसकी दोस्ती भी हो गई, लेकिन अब वो एक मुख्तलिफ आदमी है। बहुत कुछ ज़िंदगी के तूफ़ानों और आंधियों में उसने सीखा है। उम्मीद है कि अब ऐश में याद खुदा से वो महरूम ना रहेगा और तैश में खौफ खुदा से बेनयाज ना होगा। अब गाहे गैर ज़रूरी और ज़ालिमाना तनकीद भी वो बर्दाश्त कर लेता है, मशवरे देने और उनकी तकरार करने वाले जिच कर देते हैं तो मेरे जब्त का बंधन गाहे टूट भी जाता है, लेकिन वो अक्सर हंस कर टाल देता है। बहरहाल वो एक बेबाक और सख्त गिर मुंतजिम है और जाब्ता तोड़ने की इजाज़त नहीं देता। 30 अक्टूबर के बाद वाकयात की रफ्तार बहुत तेज़ हो गई है, यूँ तो पूरे मुल्क में, मगर उसके लिए तो ख़ास तौर पर। जब तक ये किताब छप कर सामने आएगी, बहुत सी अहम कौमी शख्सियात तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुकी होंगी। इसके साथ ही मेरा ये इसरार जारी रहेगा कि नाम बदल कर इसे पाकिस्तान इंसाफ पार्टी कहा जाए। फिर ख्याल ये आता है कि हर मशवरा तस्लीम नहीं किया जाता, कभी तो मानकर भी मुस्तरद कर दिया जाता है। यही जिंदगी है। अल्लाह ने उसे कश्मकश, तनु और आजमाइश के लिए तख्लीक किया और दाइम ऐसी ही रहेगी। बर्फ बुलंदियों पर पिघलती और मैदानों में फूल खिलाती है, नदियां शोर मचाती हैं, लेकिन दरिया मैदानों में आसूदा होने लगते हैं, हत्ता के समुद्र में उतर कर सो जाते हैं। हम नहीं होंगे, मगर कहानी शायद बाकी रहे। वो मुल्क का आखिरी बड़ा लीडर नहीं, जैसा कि बाद सहरजदा मदा गुमान करते हैं। एक दिन उसे भी बसात लपेटना होगी। एक दिन दूसरे आएंगे जब ये मुआशरा इंशाल्लाह ज़्यादा बेदार होगा। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि एक दिन वक्त की रजमगाह से हर कोई रुखसत होता है। किसी दूसरे खिलाड़ी के लिए खेल के मैदान को उसने अपने अरूज पर खैरबाद कहना चाहा, मगर ना कह सका। तकदीर ने उसे रोक लिया कि एक खैरकुन कामयाबी मुकद्दर थी। इक्तदार को अलविदा कहना मगर बहुत ही मुश्किल होता है। अब की बार वो वक्त आए तो उसे ज़्यादा तामुल से काम ना लेना चाहिए। क्या ये मशवरा बहुत कबलस वक्त है? शायद नहीं, बल्कि यकीनन कि अभी तो वो राह में है। अभी तो उसकी मंजिल मुसाफरत के उस गर्दो गुबार से बहुत दूर है, बहुत आगे वाके है। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूँ, और उसका एक सबब है। लीडर और पार्टियाँ नहीं, अफवाज और गिरोह नहीं, बल्कि मुल्क के मुहाफिज उसके अवाम होते हैं। एक तालीम याफ्ता, मुहज़्ज़िब और मोतदिल मिजाज कौम, जिसे अमन हासिल हो, जिसके मिजाज से हैजान कम होता जाए, जो एक पुख्ता इरादे के साथ अपने कमज़ोर तरीन लोगों को इंसाफ अता करने की राह पर चल निकले। कोई आदमी इस दुनिया का ठेकेदार नहीं होता,
हो ही नहीं सकता। दूसरों का तो जिक्र ही क्या, परवरदिगार ने अपने सबसे महबूब बंदे रहमतल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह फरमान साफ साफ उतार दिया था।